जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बुधवार रात को रैगिंग को लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया। दरअसल बीटेक के सीनियर छात्र जूनियर स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन लेने के लिए हॉस्टल बुला रहे थे। मना करने पर शाम के समय सीनियर छात्रों ने घेराबंदी कर जूनियर स्टूडेंट को पीट दिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्यालय के कुछ सीनियर छात्रों की तरफ से लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल से तो कुछ जूनियर छात्रों की तरफ से शिवाजी नगर से एक जी हॉस्टल के छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर अचानक इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते वहां अचानक दोनों गुटों के छात्रों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। छात्रों ने पथराव के साथ एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें कई छात्रों के सिर फट गए तो एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। घटना से आक्रोशित जूनियर छात्र सीनियर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मामला रैगिंग का विरोध करने का बताया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हाथापाई से शुरू हुआ विवाद के बाद दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। लाठी डंडों से भी छात्रों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इसमें कई छात्रों के सिर फट गए तो एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। घटना से आक्रोशित जूनियर छात्र सीनियर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे फर्स्ट ईयर के छात्र संस्कार वर्मा ने बताया कि बीयू के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के छात्रों ने जूनियर छात्रों की इंट्रोडक्शन देने के लिए मंगलवार को छात्रावास बुलाया था। जूनियर छात्रों ने हॉस्टल जाने से इनकार कर दिया। जब वे नहीं गए तो दिन में उनके पास फोन करके गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने टीचर से की, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुधवार को ऑडिटोरियम में इस्कॉन का कार्यक्रम चल रहा था। जूनियर छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीनियर्स को इसकी जानकारी हुई कि परिचय देने न आने वाले छात्र इसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। करीब शाम 5 बजे लॉर्ड बुद्ध के सीनियर छात्र ऑडिटोरियम पहुंच गए और उनके वीडियो बनाने लगे। ये कहते हुए कि छात्र जो बुलाने पर नहीं आए, इस बात को लेकर जूनियर छात्रों के साथ वह मारपीट करने लगे। सूचना मिलते ही जूनियर छात्र के साथी भी मौके पर पहुंच गए। सीनियर्स के साथ जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के छात्रों ने अपने अपने साथियों को फोन कर दिया और धीरे धीरे दोनों गुटों के छात्र भारी संख्या में जमा हो गए। दोनों गुटों के छात्रों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। छात्रों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और देखते ही देखते छात्रों में एक दूसरे के बीच पथराव शुरू हो गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और सभी छात्र बीयू के मुख्य द्वार की तरफ पहुंच गए। पथराव होने की वजह से सड़क से निकल रही राहगीरों की कार के शीशे भी टूट गए हैं। कई राहगीर बाइक से गिर गए, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। आक्रोशित 100 से अधिक जूनियर छात्र शाम 6:30 बजे बीयू के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर पहुंची SPCT समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। SPCT राधेश्याम राय ने बताया कि हॉस्टल और बाहर सिटी में रहने वाले जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। जो इस क्षेत्र में रहते हैं वह लड़कों ने धरना प्रदर्शन किया था। एक दो लड़के घायल हैं, उनकी तरफ से तहरीर ले लिया गया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि एग्रीकल्चर और बीटेक के छात्रों के बीच ऑडिटोरियम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर बहस हुई। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा और शिवाजी नगर के निजी हॉस्टल के छात्रों के बीच पथराव शुरू हो गया। कुछ छात्रों के सिर फट गए हैं। छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अगर हॉस्टल के अधिकारियों की किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ये क्या पूरा मामला, अब क्या हुआ? बात है, ये मामला है यहाँ पे हॉस्टल के लड़के और जो सिटी में रहते हैं उन लड़कों के बीच में, और जूनियर और सीनियर स्टूडेंटों के बीच में। तो आज सीनियर स्टूडेंटों ने कुछ जूनियर स्टूडेंटों के साथ मारपीट कर दी, उसी को लेके विवाद हो गया था। उसमें जूनियर स्टूडेंटों के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। वो इस समय शांत है, सब लोग शांति हो। वो जूनियर सीनियर के बीच में आपस में विवाद हुआ था। नहीं, बताया जा रहा है छात्रों का कहना है, जो पीड़ित है उनका कहना है कि हमारे साथ रैगिंग की जाती है, मारपीट की जाती है, आगे परेशान किया जाता है, सभी हंगामा। पहले भी इन लाखों छात्रों ने हमला किया। मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन के चीफ प्रॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी हम एक पक्ष को सुन रहे हैं, कल दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, हॉस्टल के लड़कों को और सिटी के जो सार में रहते हैं उन लड़कों को बुलाया जाएगा, उन दोनों से बातचीत की। मौके पर क्या स्थिति है? मौके पर सामान्य है,
FIR दर्ज हो रही है, FIR की कॉपी इनको दे दी जाएगी, ये तुरंत अपने अपने आवास पर चले।